ओम शांति। 24 जुलाई सन 67 की वाणी का चौथा पेज पहली लाइन। फोर्थ पेज ऑफ द वाणी ऑफ 24 जुलाई 67 द फर्स्ट लाइन। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, ये बड़ा भारी इम्तिहान है। टू बिकम नारायण फ्रॉम अ मैन एंड लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन इज अ ग्रेट एग्जामिनेशन। इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। यू शुडंट शो द स्लाइटेस्ट नेग्लिजेंस इन दिस। अगर गफलत की तो क्या होगा? वॉट विल हैपन इफ यू शो नेग्लिजेंस? अ स्टूडेंट इज सेइंग वी विल बिकम प्रिंस फ्रॉम अ मैन। बाप श्रीमत देते हैं। द फादर गिव्स श्रीमत। तो फिर इस पर चलना है। सो यू हैव टू फॉलो इट। कायदे कानून को उल्लंघन नहीं करना है। यू मजंट वायलेट द लॉज एंड रेगुलेशंस। क्योंकि श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। बिकॉज यू बिकम एलिवेटेड ओनली विथ श्रीमत। मंजिल बहुत भारी है। द डेस्टिनेशन इज वेरी हाई। अपना रोज का खाता रखो। कीप योर डेली अकाउंट। खाते में देखो हमने कमाई की या नुकसान किया। चेक इन द अकाउंट डिड वी अर्न और डिड वी ब्रिंग लॉस। कितना बाप को याद किया। हाउ मच डिड वी रिमेम्बर द फादर। कितनों को रास्ता बताया। टू हाउ मेनी सोल्स डिड वी शो द पाथ। क्योंकि अंधों की लाठी तो तुम ही हो ना। इट इज बिकॉज ओनली यू आर अ स्टिक फॉर द ब्लाइंड aren't यू। वो तो है अंधों की औलाद अंधे। दोज वंस आर ब्लाइंड द प्रोजेनी ऑफ द ब्लाइंड। कथा है ना। देर इज अ स्टोरी isn't देर। अंधे धृतराष्ट्र। द ब्लाइंड धृतराष्ट्र मीनिंग द फादर ऑफ द कौरवास इन द एपिक महाभारता। वो अंधकार में अंधे थे। ही वॉज ब्लाइंड ड्यू टू द डार्कनेस ऑफ अटैचमेंट। तुमको तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। एज फॉर यू यू हैव रिसीव्ड द थर्ड आई ऑफ नॉलेज। उस नेत्र के कारण तुम्हारे में कितनी नॉलेज आ जाती है। सो मच नॉलेज कम्स इन यू बिकॉज ऑफ दिस आई। समझते हो इस जन्म पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म पवित्र रहेंगे। You understand that if you remain pure in this life, you will remain pure for 21 births. कोई भी विकर्म नहीं करना चाहिए। You shouldn't do any opposite action. पतित पावन बाप का बच्चा बनकर फिर कोई पाप का काम थोड़ी करना चाहिए। You shouldn't do any sinful action after becoming the child of the father who is the purifier of the sinful ones. इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके अपने बच्चों को भी बचाने की कोशिश करो। फॉर दिस रीजन बाबा सेज एज मच एज यू कैन ऑल्सो ट्राई टू सेव योर चिल्ड्रन। बच्ची नहीं चल सकती है तो समझा जाता है बेचारी न बन जाए, इसलिए उसकी शादी करनी पड़ती है। इफ द डॉटर कांट फॉलो द नॉलेज देन इट इज कंसिडर्ड शी हैज टू बी मैरिड so that she does not become adulterated. नहीं तो बच्ची अगर समझती है। Otherwise, if the daughter understands the knowledge, तो शादी कराने की बात ही नहीं होनी चाहिए। The question of having her married shouldn't arise at all. बच्ची बेसमझ है तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। If the daughter is ignorant, it is understood that she doesn't have it, that is, the sovereignty of the world in her destiny. कोई तो फिर शादी करके बहुत दुखी होती है। Some become very sorrowful after being married. फिर कहती है हमने ब्रह्मा कुमारियों की भी न मानी। Then they say, we didn't even believe the words of the Brahma Kumaris. पछतावा करके फिर वापस आते हैं। They repent and come back again.
बच्चियां भी उनके पास जाती है। द डॉटर्स ऑल्सो गो टू देम। तो बच्चों को रहम दिल बनना है। सो द चिल्ड्रन शुड बिकम द वंस विद अ मर्सीफुल हार्ट। बल कोई गिर जाते हैं तो भी उनके ऊपर रहम आता है कि हम उनको जाकर उठावे। इवन दो समवन फॉल्स वी हैव मर्सी ऑन देम एंड थिंक वी शुड गो एंड अपलिफ्ट देम। पुरुषार्थ करके स्वर्गवासी तो बने। लेट दे बिकम द रेजिडेंट्स ऑफ पैराडाइज आफ्टर मेकिंग पुरुषार्थ मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट। ऊंच पद नहीं पाएंगे तो कोई बात नहीं। इट डजंट मैटर इफ दे डोंट ऑब्टेन अ हाई स्टेटस। तुमको भी कल्याणकारी रहम दिल बनना चाहिए। यू शुड ऑल्सो बिकम कल्याणकारी मीनिंग द वन हु ब्रिंग्स वेलफेयर एंड द वंस विद अ मर्सीफुल हार्ट। बाप को फॉलो कर रहे हैं। यू हैव टू फॉलो द फादर। सब को रास्ता बताना है। यू हैव टू शो द पाथ टू एवरी वन। बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। रिमेम्बर द फादर देन योर ऑपोजिट एक्शंस विकर्म विल बी डिस्ट्रॉयड। पहले पहले ये समझाओ। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन दैट शिव बाबा सेज रिमेम्बर मी। माँ में कम याद करेंगे तो तुम्हारे बहुत पाप भस्म हो जाएंगे। इफ यू रिमेम्बर ओनली मी मेनी सिंस ऑफ योर्स विल बी बर्न्ड टू एशेस। कृष्ण को कोई सब थोड़े ही याद करते हैं। नॉट एवरीवन रिमेम्बर्स कृष्णा। कृष्ण तो साकार है। इन फैक्ट कृष्णा इज कॉर्पोरियल। तो सिर्फ एक निराकार बाप को याद करना है। So you have to remember only the one incorporeal father. वो बाप खुद आकर कहते हैं मुझे याद करो। That father himself comes and says, remember me. क्योंकि तुम मुझको ही पतित पावन कहते हो। It is because you call me alone पतित पावन, meaning the one who purifies the impure ones. दुनिया में और कोई भी नहीं है जो पतितों को पावन बनाने वाला हो। There is no one else in the world. Who would purify the impure ones? मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। Only by remembering me will your विकर्म be destroyed. औरों को याद करने से विकर्म विनाश होने वाले नहीं है। The विकर्म won't be destroyed by remembering others. गीता में भी लिखा है माँ में कम याद करो। It is also written in the Gita, remember me alone. सिर्फ अंतर ये कर दिया है कि शरीरधारी का नाम डाल दिया है। They have only made this difference that they have inserted the name of a bodily being. परंतु भागीरथ तो ये है ना? But this one is Bhagirath, isn't he? Bhagirath, meaning a mythological character who performed deep meditation to bring the river Ganges down to earth. It means a fortunate chariot. ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। All these are Brahma Kumar Kumaris. अदर कुमारी कुमारी कन्या ये यादगार मंदिर भी यहाँ ही बने हुए। अदर कुमारी मीनिंग फीमेल्स हु आर मैरिड एंड लीड अ प्योर लाइफ। कुमारी कन्या मीनिंग वर्जिन्स। दीज टेम्पल्स आर ऑल्सो मेड हियर एज मेमोरियल्स। परंतु प्रैक्टिकल में अदर कुमारी और प्रैक्टिकल में कुमारी कन्या तुम हो। But you are the other Kumari and Kumari Kanya in practice. Number one, ho. You are that number wise, meaning according to your Purusharth. Mana? What does it mean? Jnan ke aane ke baad. Hey? Jnan mein aane ke baad. A student, after coming to the knowledge. हाँ, ज्ञान में आने के बाद अदर कुमारी कौन है? और कुमारी कन्या कौन है? Yes. Who is Adhar Kumari after coming to knowledge and who is a Kumari Kanya? ज्ञान में आने के बाद एक बाप की बनने के बाद अगर भी विचारी बनी तो अदर कुमारी। After coming to the knowledge, after belonging to the one father, if she became adulterated, she is an Adhar Kumari. बाप तो कहते हैं मैं माताओं को भी कुमारी बना देता हूँ। The father says, I make even the mothers into virgins. कुमारी रहती है
तो कुमारी कन्या कही जाती है। इफ शी रिमेन्स अ वर्जिन शी इज कॉल्ड कुमारी कन्या। अभी तुम प्रैक्टिकल में अधर कुमारी और कुमारी कन्या हो। नाउ यू आर अधर कुमारी एंड कुमारी कन्या इन प्रैक्टिस। इस बात में कोई कॉपी नहीं कर सकेंगे। नो वन विल बी एबल टू कॉपी दिस। बल बहुत से आश्रम ऐसे हैं जो सफेद कपड़ों वालों के। इवन दो देर आर मेनी ऑफ सच आश्रम्स ऑफ पीपल ड्रेस्ड इन व्हाइट क्लोथ्स। परंतु ये बात किसी की बुद्धि में नहीं आएगी। दिस आइडिया वोंट कम टू एनीवन्स इंटेलेक्ट। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। ऑल द ब्रह्म कुमार कुमारीज आर द प्रोजेनी ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा। कुमारी समझ करके फिर गंधर्व विवाह भी करती है। दे कंसिडर देमसेल्स टू बी ब्रह्म कुमारी एंड देन ऑल्सो परफॉर्म गंधर्व विवाह मीनिंग मैरिज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट विदाउट एनी मैरिज सेरेमनी। परंतु ऐसे गंधर्व विवाह करने वाले इकट्ठे रहने में बड़ी भारी मेहनत है। But there is a lot of hard work involved to remain together for such ones who perform Gandharva Vivaha. Itni mehnat ho jo kabhi criminalize na bane. There should be so much effort involved that the eyes never become criminal. Koi thodi criminalize hoti hai fir sambhal kar khade ho jate hain. Some have a bit of a criminal eye, then they control themselves and stand up in spiritual effort. मनुष्य तो कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। The human beings say this is impossible. आँखें ही हैं जो धोखा देती हैं। It is the eyes which deceive. तुम्हारा प्रॉमिस है बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। It is your promise, बाबा we will never leave you. बाबा कहते हैं महान कमबख्त देखना हो तो यहाँ देखो जो ऐसे बाप को भी फारकती दे देते हैं। बाबा सेज इफ यू वांट टू सी ग्रेट अनफॉर्चुनेट वंस हु डिवोर्स इवन सच अ फादर सी देम हियर। बाबा के पास रहते हुए भी कोशिश करते हैं बाबा हमको कुछ दो तो हम अलग जाकर के रहें। इवन व्हाइल लिविंग विद बाबा दे ट्राई एंड आस्क बाबा गिव अस समथिंग so that we would stay separately. ऐसे भी हैं? There are such ones too. महान बक्तावर भी यहाँ तो महान कमबख्त भी यहाँ। Great fortunate ones are here, as well as great unfortunate ones are here. किसको चावल कम मिलता है? वह कपड़ा मिलने में देरी हुई? तो फट से कहेंगे इससे तो घर जाना अच्छा है। इफ समवन गेट्स लेस राइस टू ईट और रिसीव्ड क्लोथ्स विद डिले दे विल इमीडिएटली से इट इज बेटर टू गो होम देन टू सफर दिस। ये सब परीक्षाएं होती हैं। ऑल दीज एग्जामिनेशंस टेक प्लेस। बाप कहते हैं तुम बच्चों को दुख सुख हानि लाभ में समान रहना चाहिए। द फादर सेज यू चिल्ड्रन शुड रिमेन इन द सेम स्टेज इन सोरो हैप्पीनेस लॉस एंड प्रॉफिट। बक्तावर बनने के बदली कमबख्त बनने में देरी नहीं लगती है। इट डजंट टेक लॉन्ग टू बिकम अनफॉर्चुनेट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग फॉर्चुनेट। थोड़ा किसी ने कुछ कहा तो बस। इफ समवन सेड समथिंग देन दैट्स इट। तैयार हो जाते हैं जाने के लिए हम घर चले जाएंगे। दे गेट रेडी टू गो एंड से वी विल गो होम। माया ऐसा घूंसा मार देती है। माया गिव्स सच अ पंच। तुम सब गज हो। ऑल ऑफ यू आर गज। गज और ग्राह की लड़ाई है। देर इज द फाइट बिटवीन अ गज एंड अ ग्राह मीनिंग क्रोकोडाइल। गज माने हाथी। गज मीन्स एलिफंट। तुम सब महारथी हो। All of you are Maharathis, meaning great warriors. ज्ञान जल में पड़े हुए हो। You are in the water of knowledge. माया ग्राह तुम्हारे बुद्धि रूपी पांव को पकड़ लेता है। The crocodile Maya catches your foot like intellect. गज को माया हप कर लेती है। माया gobbles up the elephant. गज
अच्छा मीठी मीठी सिकील दी रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, ओम शांति। अच्छा टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड स्पिरिचुअल चिल्ड्रन रिमेम्बरेंस लव एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल बाप एंड दादा, ओम शांति। ये प्रातः क्लास है 25 जुलाई 1967 का। This is a morning class of the 25th July 67. सभी को आत्माभिमानी होकर के बैठना चाहिए। Everyone should sit in a soul conscious stage. परमपिता परमात्मा इस शरीर द्वारा हम आत्मा को सुना रहे हैं। The Supreme Father, Supreme Soul is narrating to us souls through this body. तो परमपिता परमात्मा से सुनने के लिए जरूरी है कि आत्माभिमानी होकर बैठो। So, in order to listen from the Supreme Father, Supreme Soul, it is necessary to sit in a soul conscious stage. देह अभिमानी होकर के 63 जन्म बैठे। You sat in a body conscious stage for 63 births. बच्चों ने ये समझा है कि शिव की जयंती कैसे होती है? You children have understood how Shiv's Jayanti, meaning birthday, takes place. कैसे होती है? How does it take place? शिव इस संसार में प्रत्यक्ष होते हैं साकार तन के द्वारा। शिव इज रिवील्ड इन दिस वर्ल्ड थ्रू द कॉर्पोरियल बॉडी। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म माना जाता है। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ बर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेवलेशन। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बाहर आता है। जस्ट लाइक व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न ही कम्स आउटसाइड। जन्म लेने से पहले गुप्त रहता है। ही रिमेन्स हिडन बिफोर ही इज बॉर्न। ऐसे ही जब तक परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर गुप्त है तो जैसे ज्ञान गर्भ में है। इन द सेम वे अंटिल द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इज हिडन इन दिस वर्ल्ड इट इज एज इफ ही इज इन द वूम ऑफ नॉलेज। जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो जैसे कि जयंती होती है। When he is revealed in the world, it is as if he is born. ऊंचे ते ऊंचे भगवान उनका नाम शिव है। He is the highest on high god. His name is Shiv. शिव जयंती ही मनाते हैं। They celebrate only Shiv Jayanti, meaning the birthday of Shiv. रुद्र जयंती नहीं मनाते हैं। दे डोंट सेलिब्रेट रुद्र जयंती मीनिंग द बर्थडे ऑफ रुद्रा। और नाम नहीं कहते हैं। दे डोंट से द अदर नेम्स। शिव जयंती ही कहते हैं। दे जस्ट से शिव जयंती। शिव को ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। ओनली शिव इज कॉल्ड द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल। कल्याणकारी है ना? He is कल्याणकारी, isn't he? सर्व मनुष्य मात्र का कल्याणकारी है। He is कल्याणकारी to all the human beings. पतित पावन सर्व का बाप कहा जाता है। He is called the purifier of the impure ones, the father of everyone. और आत्मा है तो सभी भाई भाई है। And all the souls certainly are brothers. फिर जब सृष्टि रची जाती है तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद भाई बहन होते हैं। लेटर व्हेन द वर्ल्ड इज क्रिएटेड वी बिकम द प्रोजेनी ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा दैट इज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तुम जानते हो हम भाई भाई हैं। यू नो वी आर ब्रदर्स अमंगस्ट अवर सेल्व्स। फिर हम प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बने। देन वी बिकेम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा। सभी कहते हैं हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा की संतान हैं। ऑल से वी आर प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारीज द प्रोजेनी ऑफ शिव बाबा। तो शिव बाबा का जन्म देखा? सो डिड यू सी द बर्थ ऑफ शिव बाबा? जन्म के बिगर तो उनका ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं पड़ता। विदाउट हिम बीइंग बॉर्न वी डोंट कम टू नो अबाउट हिज ऑक्यूपेशन एट ऑल। प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो तो संसार को उनके ऑक्यूपेशन का पता पड़े। When the birth in the form of revelation takes place,
द वर्ल्ड विल नो अबाउट हिज ऑक्यूपेशन। शिव बाबा का जन्म अलौकिक है। द बर्थ ऑफ शिव बाबा इज अलौकिक। खुद बताते हैं, मैं साधारण वृद्ध तन में प्रवेश करता हूँ। ही हिमसेल्फ सेज आई एंटर एन ऑर्डिनरी ओल्ड बॉडी। फिर उनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। देन आई नेम इट ब्रह्मा। जिस तन में भी प्रवेश करे उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। विच एवर बॉडी ही एंटर्स इट विल हैव टू बी नेम्ड ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है? सो हाउ इज ब्रह्मा बॉर्न। कृष्ण का जन्म कैसे होता है? हाउ इज कृष्णा बॉर्न। कृष्ण तो बच्चा है। कृष्णा इज सर्टनली अ चाइल्ड। कृष्ण का जन्म अपने माँ बाप से होता है। कृष्णा इज बॉर्न फ्रॉम हिज मदर एंड फादर। ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है? हाउ इज ब्रह्मा बॉर्न। शिव बाप जिसे मैं प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होता है। द नेम ऑफ द वन इन हुम द फादर शिव एंटर्स इज रिवील्ड एज ब्रह्मा। तो जन्म हुआ ना। सो इट इज अ बर्थ इजंट इट। परंतु ये कोई को पता नहीं। बट नो वन नोज दिस। क्यों? वाई? पता कोई को क्यों नहीं? वाई डजंट एनीवन नो दिस? जैसे आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो कब प्रवेश करेगी पता ही नहीं पड़ता। जस्ट लाइक When a soul enters the womb, we don't come to know at all when it entered. ऐसे ही सेवा जिस तन में प्रवेश करते हैं तो प्रवेशता के टाइम का पता ही नहीं पड़ता। In the same way, when Shiv enters the body, we don't come to know about the time of his entrance at all. ब्रह्मा का जन्म भारत में मनाते नहीं है। They don't celebrate the birth of Brahma in Bharat. क्योंकि पता ही नहीं पड़ता। बिकॉज दे डोंट कम टू नो एट ऑल। शंकर का भी जन्म नहीं मनाते। दे डोंट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ शंकर ईदर। शंकर जयंती मनाते हैं क्या? नहीं। डू दे सेलिब्रेट शंकर जयंती? नो। विष्णु का जन्म मनाते हैं। दे सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ विष्णु। कहते हैं राम विष्णु का अवतार है। दे से राम इज द इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। विष्णु ही लक्ष्मी नारायण है। विष्णु हिमसेल्फ इज लक्ष्मी एंड नारायण। नारायण का जन्म मनाते हैं। दे सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ नारायण। राधे का नहीं मनाते। दे डोंट सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ राधे। शायद राधा पंथी वालों को मालूम हो। प्रोबेबली Those from Radha's group would know about her birth. कृष्ण का तो जन्म मनाते हैं। कृष्ण ही नारायण ठहरा। They do celebrate the birth of Krishna. Krishna himself is Narayan. तो विष्णु का मुख्य पार्ट हो गया। So, the part of Vishnu is the main. बाकी ठहरी लक्ष्मी जो पहले राधे है बाद में लक्ष्मी। The one who remained is Lakshmi. Who is Radhe at first and later on she is Lakshmi. तो ये सब बातें समझने की हैं। अब तुम बच्चों का ईश्वर का भी अंत मिल जाता है। So all these things are to be understood. Now you children receive the secrets of God too. बच्चों का ड्रामा के एक्टर्स का तो मालूम होना चाहिए। The children should indeed know the actors of the drama. कई कह देते हैं फलाना वायु से फलाना नासिका से पैदा हुआ। Many say such and such one was born from the wind, such and such one was born from the nose. किसके लिए कह देते? For whom do they say this? Hanuman, वायु से पैदा हुआ। Hanuman, meaning a monkey-faced deity, was born from the wind. Nasik? Nasik? Nasik छींक निकली, तो नासिक पैदा हो गए? There was a sneeze. And Nasik, meaning a place in Maharashtra, emerged. Kachavatar, Machavatar. The turtle incarnation, the fish incarnation. अब जानवरों की तो बात ही नहीं है। Well, it is not about animals at all. बाकी जो सच्चे सच्चे हैं वो तो प्रत्यक्ष हैं। Nonetheless,
द रियल वंस आर सर्टनली रिवील्ड। शिव बाबा भी प्रत्यक्ष है। शिव बाबा इज ऑल्सो रिवील्ड। परमपिता परमात्मा है ना? ही इज द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल इजंट ही। उनकी महिमा है ज्ञान का सागर पतित पावन। ही इज प्रेज्ड एज द ओशन ऑफ नॉलेज द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर वंस। आत्मा की महिमा होती है। इट इज द सोल दैट इज प्रेज्ड। शरीर तो खत्म हो जाता है। द बॉडी डस पेरिश। नेहरू की आत्मा शरीर द्वारा प्राइम मिनिस्टर थी। द सोल ऑफ नेहरू वॉज अ प्राइम मिनिस्टर थ्रू द बॉडी। तो बलिहारी आत्मा की है। सो द ग्लोरी इज ऑफ द सोल। ये बात तुम जानते हो। यू नो दिस। वो लोग महिमा गाते हैं शरीर की। दोज पीपल सिंग द प्रेज ऑफ द बॉडी। शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है। रिगार्डिंग शिव बाबा ही डजंट हैव अ बॉडी एट ऑल। वो ज्ञान का सागर। ही इज द ओशन ऑफ नॉलेज। कहेंगे नेहरू की भी आत्मा बहुत अच्छी थी। इट विल बी सेड द सोल ऑफ नेहरू ऑल्सो वॉज वेरी गुड। उसमें अकल अच्छा था। ही वॉज वेरी वाइज। परंतु शरीर बिगर तो कुछ नहीं हो सकता। बट नथिंग कैन हैपन विदाउट अ बॉडी कैन इट। शरीर के साथ ही आत्मा की महिमा होती है। द सोल इज प्रेज्ड अलोंग विद द बॉडी इटसेल्फ। दुनिया के मनुष्यों को शरीर की ही बुद्धि में बातें रहती है। पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव ओनली द टॉपिक्स ऑफ द बॉडी इन द इंटेलेक्ट। अभी तुम बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। नाउ यू चिल्ड्रन हैव टू बिकम सोल कॉन्शियस। मुख्य आत्मा की पूजा होती है। द मेन सोल इज वर्शिप्ड। साधारण पार्ट बजाने वाली आत्माओं की पूजा नहीं होती। द सोल्स हु प्ले ऑर्डिनरी रोल्स आर नॉट वर्शिप्ड। शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं तो उनके साथ शालिग्राम भी बनाते हैं। When they build temples of शिव बाबा they also make शालिग्राम along with it। शालिग्राम meaning small round stones considered sacred in the path of devotion। उनकी पूजा होती है। They are worshipped। जब रुद्र पूजा होती है तो शिव बाबा और शालिग्राम दोनों की इकट्ठी होती है। When the worship of Rudra takes place, the worship of both Shiv Baba and the Shaligram takes place together. क्योंकि इस समय मैं भी रूहानी सेवा कर रहा हूँ ना। It is because at this time I too am doing spiritual service. Am I not? Tattvam. Tattvam meaning so are you. तुम भी रूहानी सेवा कर रहे हो। You are also doing spiritual service. अपन को आत्मा सहज समझ करके शरीर द्वारा सर्विस करनी होती है। वी हैव टू कंसिडर अवर सेल्फ टू बी अ सोल एंड डू सर्विस थ्रू द बॉडी। बाप है निराकार फिर उनको साकार में आना पड़ता है। द फादर इज इनकॉर्पोरियल देन ही हैज टू कम इन द कॉर्पोरियल फॉर्म। बाबा कहते हैं मुझे साकारी तन लेना पड़ता है। बाबा सेज आई हैव टू टेक अ रियल बॉडी। ब्रह्मा के जन्म का भी अभी तुमको पता पड़ा है। Now you have come to know about the birth of Brahma as well. त्रिमूर्ति भी कहा जाए तो भी मालूम होना चाहिए। Also when we say त्रिमूर्ति we should know about their birth as well. शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा comes. और शंकर के लिए तो समझाया जाता है। And it is explained about शंकर। चित्र भी है परंतु वह कुछ करते नहीं है। There is also a picture but he doesn't do anything. चित्र काहे की यादगार। द पिक्चर इज अ रिमाइंडर ऑफ वॉट स्टूडेंट्स ऑफ द कैरेक्टर। उन्होंने चरित्र किया है तो क्या चरित्र किया है जब कुछ करते ही नहीं है। ही हैज प्लेड अ कैरेक्टर सो वॉट कैरेक्टर हैज ही प्लेड व्हेन ही डजंट डू एनीथिंग एट ऑल। ऐसे भी नहीं कहेंगे परमात्मा विनाश करते हैं या कराते हैं। इट वोंट बी सेड दैट द सुप्रीम सोल डिस्ट्रॉयज और ब्रिंग्स अबाउट डिस्ट्रक्शन ईदर। बाप थोड़े ही बच्चों का विनाश करेगा वह कराएगा। द फादर विल सर्टनली नॉट डिस्ट्रॉय द चिल्ड्रन और ब्रिंग अबाउट देयर डिस्ट्रक्शन। क्योंकि ऐसी राय देने वाला हो विनाश करने या कराने की तो राय देने वाला ही फंस जावे। बिकॉज इफ देयर इज समवन हु गिव्स सच अ सजेशन टू डिस्ट्रॉय और ब्रिंग डिस्ट्रक्शन देन द गिवर ऑफ द सजेशन हिमसेल्फ विल बी कॉट। तो ये बाप समझाते हैं। सो द फादर एक्सप्लेन्स शंकर के ऊपर इतना पाप क्यों रखें? Why should शंकर be loaded with so much burden of sins? आंख खोले और विनाश हो जावे।
ही ओपन्स द आई एंड डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस. ऐसे थोड़े ही हो सकता है. दिस कैन नॉट हैपन. ये भी गपोड़ा है क्या? दिस इज ऑल्सो अ गॉसिप. वॉट? ये स्थूलांक की बात है क्या? स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट ही ओपन्स द आई एंड डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस. इज इट अबाउट दिस फिजिकल आई? स्टूडेंट्स नो. द आई ऑफ नॉलेज. जब असली ज्ञान की आंख खुलती है तो समझ में आता है इस दुनिया में जो कुछ भी इन आंखों से देखते हैं वो सब खलास हुआ पड़ा है. यस. When the real eye of knowledge opens, we understand that whatever we see in this world through these eyes has already finished. लेकिन कहने से थोड़ी बुद्धि में बैठता है. But it doesn't sit in the intellect just by saying it. Practical act में ऐसा अनुभव होना चाहिए. It should be experienced in practical acts. क्या? What? इन आँखों से जो भी देखते हैं वो सब खलास होने वाला है. Whatever we see through these eyes, all that is going to be finished. तो देखो आँख खोली और विनाश हुआ ये भी गपोड़ा है. So look, he opened the eye and destruction took place. This as well is a gossip. ये सब भक्ति मार्ग की अथाह चित्र है. All these are the numerous pictures of the path of bhakti. और ये सब चित्र रंग हैं. And all these pictures are wrong. फिर right क्या है? Then what is right? जो right चित्र हैं वो भी बाप समझाते हैं. The father also explains the right pictures. शिव शंकर कह देते हैं. They say शिव शंकर. शिव के साथ किसका नाम जोड़ दिया? शंकर का नाम जोड़ दिया. Whose name was combined with शिव? The name of शंकर was joined. अब शिव की जयंती हुई तो साथ में शंकर की भी तो हो गई ना. When the birth of Shiv took place, Shankar's birth also took place along with him, didn't it? फिर शंकर की जयंती मनाते हैं क्या? Then do they celebrate the birth of Shankar? Students, no. क्यों? Why? शिव शंकर इकट्ठा कहते हैं. They say शिव शंकर together. शिव की जयंती. देर इज द बर्थ ऑफ शिव. तो शिव की जयंती के साथ शंकर की भी जयंती होनी चाहिए. देन अलोंग विद द बर्थ ऑफ शिव द बर्थ ऑफ शंकर शुड ऑल्सो टेक प्लेस. फिर मनाते क्यों नहीं है? देन वाई डोंट दे सेलिब्रेट इट? स्टूडेंट सेड बोथ आर वन. दोनों एक ही है. शिव शंकर एक है. बोथ आर वन. आर शिव एंड शंकर वन? व्यक्तित्व एक. शिव और शंकर की आत्मा एक कैसे है? शिव की आत्मा अलग, शंकर की आत्मा अलग. स्टूडेंट्स नो. द सोल इज. हाउ इज द सोल ऑफ शिव एंड शंकर वन? द सोल ऑफ शिव इज सेपरेट एंड द सोल ऑफ शंकर इज सेपरेट. पर्सनैलिटी. स्टूडेंट्स द पर्सनैलिटी इज वन. शंकर याद में बैठता है. शंकर सिट्स इन रिमेम्बरेंस. भगवान को याद करने की दरकार है क्या? डज गॉड नीड टू रिमेम्बर? शिव भगवान है, शंकर देवता है. शिव इज गॉड, शंकर इज अ डेटी. लेकिन भगवान का समान होता है. स्टूडेंट बट ही इज इक्वल टू गॉड. ही इज इक्वल टू द फादर. यस. पुरुषार्थ करके ऐसी तीखी याद करते हैं कि बाप समान बन जाते हैं. He makes purushartha and remembers so intensely that he becomes equal to the father. तो जब बाप समान बन जाते हैं तो आत्मा परमात्मा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है. So when he becomes equal to the father, the soul is revealed in the form of the supreme soul in the world. शिव और शंकर में कोई भेद भेद नहीं रहता है. No difference remains between Shiv and Shankar. फिर भी शंकर की जयंती नहीं मनावेंगे. Still, they won't celebrate the birth of Shankar. जयंती किसकी मनाते हैं? शिव की मनाते हैं. Whose birth do they celebrate? They celebrate Shiv's birth. इसका मतलब
शंकर हो गया शरीर और शिव हो गई आत्मा. इट मीन्स दैट शंकर इज द बॉडी एंड शिव इज द सोल. आत्मा की जयंती मनाएंगे. द बर्थ ऑफ द सोल विल बी सेलिब्रेटेड. दिखाते हैं शंकर और पार्वती. दे शो शंकर एंड पार्वती. ये भी बाबा ने समझाया. बाबा हैज एक्सप्लेन्ड दिस टू. तुम सब पार्वतियां. ऑल ऑफ यू आर पार्वतीज. उन्होंने तो शंकर के साथ एक पार्वती को दिखाया. दे हैव शोन वन पार्वती विद शंकर. बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियां हो. द फादर सेज ऑल ऑफ यू आर पार्वतीज. अमर कथा सुन रही हो ना अमरनाथ के द्वारा. You are listening to the story of immortality, Amar Katha from Amarnath, meaning the Lord of the Immortal Ones, aren't you? अब अमरनाथ शंकर नहीं है. Well, शंकर isn't अमरनाथ. जो पार्वती को कथा सुनाते हैं. Who narrates the story to पार्वती? तुम बच्चों को कौन सुनाते हैं? Who narrates the story to you children? शंकर सुनाते हैं या शिव बाबा सुनाते हैं? शिव बाबा. Does Shankar narrate it or does Shiv Baba narrate it? Students, Shiv Baba. क्यों शंकर क्यों नहीं सुनाते? Why doesn't Shankar narrate it? याद. Students, he remains in remembrance. हाँ वो सुनाने वाला होता उसकी बुद्धि में वो कथा होती 84 जन्मों की तो फिर याद में क्यों बैठता? Yes, had he been the narrator, if that story of 84 births was in his intellect, why would he sit in remembrance? अब ये अमर कथा तुम सुन रही हो अमरनाथ के द्वारा. Now you are listening to the Amar Katha from Amarnath. So Amarnath Shankar नहीं है. So Shankar is not Amarnath. तुम बच्चों को शिव बाबा सुनाते हैं. Shiv Baba narrates it to you children. तो बुद्धि में क्या रहना चाहिए? So what should be in your intellect? अब को न ब्रह्मा सुनाते हैं न शंकर सुनाते हैं हमको शिव बाबा सुनाते हैं. स्टूडेंट्स शिव बाबा. नीदर ब्रह्मा नॉर शंकर नरेट्स इट टू अस. शिव बाबा नरेट्स इट टू अस. तो तुम्हारी बुद्धि में आत्मा की याद रही ना. सो द रिमेम्बरेंस ऑफ द सोल वॉज इन योर इंटेलेक्ट वॉजंट इट. आत्मा का डिफरेंस बुद्धि में बैठ गया ना. The idea of the difference of souls sat in the intellect, didn't it? शिव की आत्मा सुनाती है या शंकर की आत्मा सुनाती है? शिव की आत्मा. Does the soul of Shiv narrate it or does the soul of Shankar narrate it? Students, the soul of Shiv. शिव सुनाते हैं. Shiv narrates it. नाम रख दिया है शिव शंकर. They have given the name Shiv Shankar. शिव सुनाते हैं तो दोनों का नाम क्यों रख दिया? If Shiv narrates it, why have they given the name of both? क्योंकि शरीर के द्वारा ही सुनाएंगे ना. Student, there is the body. It is because he will narrate it only through the body, won't he? निराकार आत्मा कैसे सुनाएंगे? How will an incorporeal soul narrate it? अमरनाथ एक हुआ. There is one अमरनाथ. शिव शंकर तो नाम है नहीं. द नेम इज सर्टनली नॉट शिव शंकर. नाम क्या है? वॉट इज द नेम? नाम तो शिव है. इन फैक्ट द नेम इज शिव. शिव शंकर नाम तो भक्तों का रखा हुआ है. द नेम शिव शंकर हैज बीन गिवन बाय द डिवोटीज. किस आधार पर नाम रखा भक्तों ने? कहाँ की यादगार? ऑन वॉट बेसिस डिड द डिवोटीज गिव द नेम? When is it the reminder of students of the confluence age? जरूर संगम युग की यादगार है. Certainly it is the reminder of the confluence age. परंतु शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं. But both Shiv and Shankar are separate. शिव की एक्ट अलग और शंकर अलग. Shiv's act is different and Shankar's act is different. शिव निराकार. Shiv is incorporeal. शंकर आकारी. शंकर इज सटल. याद में रहेगा तो जो जितना याद में रहेगा उसकी बुद्धि तीखी होगी या नहीं होगी?
इफ ही रिमेन्स इन रिमेम्बरेंस सो द वन हु रिमेन्स इन रिमेम्बरेंस टू वॉट एवर एक्सटेंट विल हिज इंटेलेक्ट बिकम शार्प टू दैट एक्सटेंट और नॉट ठीक ही होगी तो बुद्धि चलेगी भी स्टूडेंट्स इट विल बी शार्प इफ इट बिकम्स शार्प हिज इंटेलेक्ट विल वर्क एज वेल बुद्धि चलेगी तो आकारी स्टेज बनती है इफ द इंटेलेक्ट वर्क्स द स्टेज बिकम्स सटल तो दोनों का इकट्ठा रखना रॉन्ग हो गया ना सो इट वॉज रॉन्ग टू कीप द नेम्स ऑफ बोथ टूगेदर वॉजंट इट वो निराकार और वो साकार अब वो आकारी दैट वन इज इनकॉर्पोरियल एंड दैट वन इज सटल बाप कहते हैं इन बातों को अच्छी रीति समझो द फादर सेज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स प्रॉपरली क्या अच्छी रीति समझो वॉट शुड बी अंडरस्टूड प्रॉपरली वो मनन चिंतन मंथन करने वाली स्टेज उस आत्मा की किसकी शंकर की That soul is in the stage of thinking and churning. Which soul? Students, Shankar. Shankar. वो तो हो गया सोचता. He is the one who thinks. जो परमात्मा है, परमपिता है, उसको सोचने करने की दरकार है क्या? नहीं. The one who is the supreme soul, supreme father, does he need to think? Students, no. उसके अंदर तो तीनों कालों का ज्ञान सदैव ही समाया हुआ है द नॉलेज ऑफ ऑल द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम इज ऑलवेज कंटेंड इन हिम तुम्हारी बुद्धि में ये बात आती है दिस आइडिया कम्स इन योर इंटेलेक्ट बरोबर शिव अलग है निराकार है शिव इज ट्रूली सेपरेट ही इज इनकॉर्पोरियल शंकर को कब निराकार ज्ञान का सागर पतित पावन तो नहीं कहेंगे शंकर विल नेवर बी कॉल्ड इनकॉर्पोरियल द ओशन ऑफ नॉलेज The purifier of the impure ones. तब क्या कहेंगे? Then what will he be called? पतित पावन शंकर नहीं है. शंकर is not the purifier of the impure ones. पतितों को पावन बनाने वाला? शिव है. शिव is the one who purifies the impure ones. परंतु तन? तन शंकर का है. बट द बॉडी बिलोंग्स टू शंकर तो तन पतित पावन है क्या कि आत्मा पतित पावन है सो इज द बॉडी द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर वंस और इज द सोल द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर वंस स्टूडेंट्स द सोल आत्मा पतित पावन है द सोल इज द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर वंस साथ में भी वह ले जाते हैं That one also takes us along with him. कौन? Who? Shankar. A student, Shankar. Shankar takes us along with him. साथ में भी शंकर को भी ले जाने वाला कौन है? Who is the one who also takes Shankar along with him? Students, Shiv. साथ में भी वह ले जाते हैं, यह नहीं ले जाते. That one also takes us along with him. This one doesn't take us along with him. 25 July 1967 की वाणी का दूसरा पेज. Second page of the Vani of 25th July 67. तो फिर शंकर क्या करते हैं? Then what does Shankar do? पतितों को पावन भी शिव बाबा बनाते हैं, साथ में भी शिव बाबा ले जाते हैं. फिर शंकर करते क्या है? शिव बाबा purifies the impure ones. As well as he takes us along with him. Then what does Shankar do? Students, he remains in remembrance. परंतु उन्होंने चित्र बनाए दिया है. But they have made a picture. तो कोई चरित्र की यादगार होगी ना? Then it must be a reminder of some character, mustn't it? कौन से चरित्र की यादगार? The reminder of which character? समान A student. Of becoming equal, equal to Shiv. शिव की याद में लव में लीन रहने की यादगार है जो शंकर को याद में बैठे हुए दिखाते हैं mostly. As the reminder of remaining immersed in the remembrance, in the love of Shiv, Shankar is mostly shown sitting in remembrance. तो उसकी यादगार चित्र बनाए दिया है. So, as the memorial of this, they have made a picture. ये भी बाबा ने समझाया है
बाबा हैज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दिस. त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए. वी शुड से त्रिमूर्ति शिव. त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं कहना चाहिए. वी शुडंट से त्रिमूर्ति ब्रह्मा. त्रिमूर्ति विष्णु भी नहीं कहना चाहिए. वी शुडंट से त्रिमूर्ति विष्णु ईदर. क्या कहना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए. क्यों? वॉट शुड वी से स्टूडेंट्स? त्रिमूर्ति शिव. वी शुड से त्रिमूर्ति शिव. वाई? त्रिमूर्ति शंकर कह दे तो क्या खराब बात? वॉट इज बैड इफ वी से त्रिमूर्ति शंकर? शंकर आकारी है. शंकर इज द वन विथ अ सटल स्टेज. शिव निराकारी है. शिव इज इनकॉर्पोरियल. निराकार शिव आकर के तीन मूर्तियों के साथ प्रत्यक्ष होते हैं. द इनकॉर्पोरियल शिव कम्स एंड इज रिवील्ड विद थ्री पर्सनैलिटीज. विष्णु की जयंती वो किसी को पता नहीं है. नो वन नोज द बर्थ ऑफ विष्णु. विष्णु का जन्म कब हुआ? When विष्णु was born. विष्णु का जन्म. सो कृष्ण का जन्म? द बर्थ ऑफ विष्णु इज द बर्थ ऑफ कृष्णा. राधे का जन्म कृष्ण से 4-5 वर्ष पीछे हुआ होगा. राधे मस्ट हैव बीन बोर्न 4-5 इयर्स बिफोर कृष्णा. चार पांच वर्ष पीछे हुआ होगा. इट मस्ट हैव हैपेंड 4-5 इयर्स बिफोर. जन्म तो माँ के गर्भ से होता है. द बर्थ सर्टनली टेक्स प्लेस फ्रॉम द मदर्स वूम. कृष्ण की माँ का क्या नाम है? वॉट इज द नेम ऑफ कृष्णाज मदर? कहते हैं यशोदा. स्टूडेंट्स यशोदा. दे से यशोदा. देवकी का नाम रंग हो जाता है. द नेम ऑफ देवकी एज हिज मदर बिकम्स रॉन्ग. अब भक्ति मार्ग में तो जिसने जो कहा सो चला लेते हैं. नाउ इन द पाथ ऑफ भक्ति दे गो विथ हुएवर सेड व्हाटएवर. तो अब बच्चों को बुद्धि से काम लेना चाहिए. सो नाउ द चिल्ड्रन शुड यूज देयर इंटेलेक्ट. बाकी आठवां गर्भ की कोई बात नहीं है. एज फॉर द रेस्ट देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द एथ चाइल्ड. ये भी एक कृष्ण की बदनामी कर दी है. दे हैव डिफेम्ड कृष्णा इन दिस वे एज वेल. क्या? वॉट? कि उनकी माँ को आठवां बच्चा पैदा हुआ. सेइंग दैट हिज मदर गेव बर्थ टू द एथ चाइल्ड कृष्णा. ये भक्ति मार्ग के साथ छी छी बातें. ऑल दीज आर द डर्टी टॉपिक्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति. इसलिए बाप कहते हैं भक्ति मार्ग दुर्गति मार्ग. फॉर दिस रीजन द फादर सेज द पाथ ऑफ भक्ति इज द पाथ ऑफ डिग्रेडेशन. फिर बात क्यों उठाई दुर्गति मार्ग? देन why did he raise the topic if it is the path of degradation? भक्ति मार्ग की रंग बात है उसे उठाने की क्या दरकार? What is the need to raise the topic of the path of bhakti that is wrong? आठवां गर्भ है कृष्ण का हुआ बाकी सात कौन हुए? If the eighth child was Krishna, who were the remaining seven? सात नारायण. जरूर सात कोई और हैं ऐसे बच्चे जो उसे 16 कला संपूर्ण की स्टेज को नहीं पहुंचते हैं. स्टूडेंट्स द सेवन नारायण्स. यस सर्टनली देर आर अदर सेवन चिल्ड्रन हु डोंट रीच द स्टेज कंप्लीट विद 16 सेलेस्टियल डिग्रीज. तो बाप कहते हैं मनुष्य जो सुनाते हैं वो सत सत करते रहते हैं. सो द फादर सेज दे कीप सेइंग ट्रू ट्रू टू व्हाटएवर ह्यूमन बीइंग्स से. तुम्हारी बात को नहीं मानते. दे डोंट एक्सेप्ट योर वर्ड्स. तुम सच्ची बात कहते हो तो मानते नहीं और भक्ति मार्ग के गुरु झूठी झूठी बातें सुनाते हैं तो मान लेते हैं. यू से ट्रू वर्ड्स दे डोंट बिलीव देम एंड व्हेन द गुरुज ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति नरेट फॉल्स टॉपिक्स दे बिलीव देम. लोग कहते हैं इन्होंने फिर ये ज्ञान कहाँ से लाया? पीपल से देन वेयर डिड दे ब्रिंग दिस नॉलेज फ्रॉम. अरे ये तो बाप ज्ञान का सागर है. अरे इट इज द फादर हु इज द ओशन ऑफ नॉलेज. जिसको आदि मध्यंत का नॉलेज है. हु हैज द नॉलेज ऑफ द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड. और कोई इन बातों को जानता ही नहीं है. नो वन एल्स नोज दीज थिंग्स एट ऑल. बाप को अगर जाने तो सारी रचना को भी जाने. इफ समवन नोज द फादर
he would know the entire creation too. रचयिता और रचना की बायोग्राफी को जाने। He would know the biography of the creator and the creation. बाप है बेहद का मालिक। The father is the unlimited master. बाकी सभी भाई भाई हैं। All the rest are brothers. उनमें भी। Even among them. किनमें? Among whom? जो भाई भाई हैं उनमें भी जो सन्यासी हैं वो ऊंचे कहे जाते हैं। Even among those who are brothers, the sannyasis are called high. क्यों? Why? उनको क्यों माथा टेकते? Why do they, that is people, bow their head before them? पवित्र हैं। क्योंकि पवित्र रहते हैं। It is because they remain pure. पंडित आदि शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। The scholars and so on read a lot of scriptures. परंतु वो पंडित लोग भी नहीं जानते हैं। कि बाप कौन है? But even those scholars don't know who the father is. बाप खुद ही आकर के बताते हैं कि मैं ऐसे ऐसे जन्म लेता हूँ। The father himself comes and says, I am born in this way. तुम बच्चे भी ये जान गए हो, ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है? You children have also come to know how Brahma is born. कैसे होता है? How is he born? है? सूर्यावी से जन्म होता है? A student is saying, from Vishnu's navel. Is he born from the navel of Vishnu? कौन है विष्णु? कौन है नाभि? Who is Vishnu and who is the navel? यज्ञ के आदि में विष्णु कौन है? Students are saying, at the beginning of the yagya, who is Vishnu at the beginning of the yagya? ओम राधे विष्णु। स्टूडेंट ओम राधे। ओम राधे इज विष्णु। ओम राधे इज आफ्टर ब्रह्मा। स्टूडेंट्स राधा बच्ची मीनिंग डॉटर राधा। यज्ञ के आदि में जो युगल जोड़ा था वही विष्णु। उनके संस्कार आपस में मिले हुए थे। यस The couple that was at the beginning of the yagya, they themselves are, students, Vishnu. Their sanskars matched with each other. तो इसलिए वो विष्णु स्वरूप थे। That is why they were the form of Vishnu. आदि में भी थे और अंतिम जन्म में भी विष्णु स्वरूप। They were Vishnu at the beginning of the cycle, as well as they are the form of Vishnu in the last birth. और उनसे 10 वर्ष के बाद एंड फ्रॉम देम 10 इयर्स लेटर नाभि तो लंबी होती है ना। द नेवल इज सर्टनली लॉन्ग इजंट इट। भक्ति मार्ग में जो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं तो नाभि की लंबाई दिखाते हैं ना। इन द पाथ ऑफ भक्ति व्हेन दे शो ब्रह्मा इमर्जिंग फ्रॉम विष्णुज नेवल दे शो द लेंथ ऑफ द नेवल डोंट दे। तो 10 वर्ष के बाद फिर ब्रह्मा पैदा हुआ। सो देन आफ्टर 10 इयर्स Brahma was born again. Time to laga na? It did take time, didn't it? To baap khud aakar ke batate hain main aise janm leta hu. So the father himself comes and says, I am born in this way. Uska matlab baba 10 varsh ke baad janm 46 san 47 se Brahma anam pratyaksh hua. A student is asking, baba, what does it mean? After 10 years, the birth, the name Brahma was revealed from the year 47. उससे पहले जानता थोड़े ही था कोई। Before that, no one knew. ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय कोई पहले जानता था? नहीं। पहले नाम वो मंडली था। Did anyone know this Brahma Kumari Ishwarya Vishwavidyalay before? Before, the name was Om Mandali. ये ब्रह्मा मंडली था? नहीं। ओम मंडली था। और वॉज इट ब्रह्मा मंडली? इट वॉज ओम मंडली। फिर ब्रह्मा के द्वारा जब मुरली सुनाई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रत्यक्ष हुआ। लेटर व्हेन द मुरलीज वर नरेटेड थ्रू ब्रह्मा एंड द ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वॉज रिवील्ड तो लोगों को पता चला ये ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। पीपल केम टू नो दैट
द ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय वॉज एस्टेब्लिश्ड थ्रू ब्रह्मा. ये ब्रह्मा है. दैट दिस इज ब्रह्मा. तो ब्रह्मा का जन्म कैसे होता है सो तुम जानते हो. सो यू नो हाउ ब्रह्मा इज बोर्न. परमात्मा शिव ने प्रवेश किया तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रख देते हैं. द सुप्रीम सोल शिव एंटर्ड हिम सो ही गिव्स द नेम ब्रह्मा टू द वन हुम ही एंटर्स. और कोई नहीं बता सकता. नो वन एल्स कैन से दिस. अजमेर में जाकर के तुम पूछो. गो टू अजमेर अ प्लेस इन राजस्थान एंड आस्क. या वॉट अजमाना बकरा बकरी. अज मीन्स ही गोट एंड शी गोट. और मेड माने भेड़. एंड मेड मीन्स शीप. तो जो भेड़ बकरियों का देश है वहाँ जाकर के पूछो. सो गो टू द कंट्री ऑफ गोट्स एंड शीप एंड आस्क. क्या पूछो. आस्क वॉट. ब्रह्मा को जन्म देने वाला कौन है. स्टूडेंट्स हाउ ब्रह्मा इज बोर्न. Who gives birth to Brahma? कौन है जन्म देने वाला. Who gives him birth? ब्रह्मा साकार है निराकार. Is Brahma corporeal or incorporeal? ब्रह्मा साकार है. ब्रह्मा is corporeal. तो साकार को जन्म देने वाला साकार होगा या निराकार होगा. So will the one who gives birth to the corporeal one be corporeal or incorporeal? साकार होगा. Students, corporeal. He will be corporeal. तो ब्रह्मा को जन्म देने वाला जन्मदाता कौन. So who is the father who gives birth to Brahma? Shiv Baba. Shiv Baba. A student, Shiv Baba. Shiv Baba. When? A student is saying, in the beginning of the yagya. हाँ. उनको जो साक्षात्कार हुए, उन साक्षात्कारों को वो खुद तो नहीं समझ सके. Yes. He himself couldn't understand the visions he had. उनका गुरु भी नहीं बता सका. Even his guru was unable to tell him about its meaning. विद्वान पंडित आचार्य वाराणसी के भी नहीं बता सके. The scholars, pandits, teachers of Varanasi couldn't tell him about it either. तो किसने उनकी बुद्धि में बैठाया. So who made it sit in his intellect? उनकी बुद्धि में वो ज्ञान का बीज किसने बैठाया. Who fitted the seed of knowledge in his intellect? Students, Prajapita, the partner. जिसके द्वारा ये ज्ञान का बीज बैठा, वो ही उनका बाप हुआ. The one through whom this seed of knowledge was fitted in his intellect, he himself is his father. पूछते भी हैं ब्रह्मा का बाप कौन? He also asks, who is the father of Brahma? तो अजमेर में जाकर के पूछो. So go to Ajmer and ask this. Yeah, उन भेड़ बकरियों के देश वालों से जाकर पूछो ब्रह्मा का जन्म कब हुआ. What? Go and ask those people in the country of goats and sheep. When was Brahma born? कैसे हुआ. ब्रह्मा का बाप कौन है. How did it take place? Who is Brahma's father? तो कहें बिंदी बाबा. They will say बाबा the point. अब ब्रह्मा साकार. Oh, निराकार. Now, Brahma is corporeal, that one is incorporeal. निराकार से साकार कैसे जन्म लेगा. How will a corporeal one be born from the incorporeal one? तो वो सिर्फ कह देंगे त्रिमूर्ति ब्रह्मा. Then they will just say त्रिमूर्ति ब्रह्मा. Yeah? What? ब्रह्मा की ही तीन मूर्तियां हैं. All the three personalities are of Brahma himself. ब्रह्मा वो विष्णु बनता है वो शंकर बस. ब्रह्मा हिमसेल्फ बिकम्स विष्णु एंड ही हिमसेल्फ बिकम्स शंकर. दैट्स इट. कहेंगे ईश्वर की रचना है. दे विल से ही दैट इज ब्रह्मा इज द क्रिएशन ऑफ गॉड. परंतु रचना कैसे होती है वो भी तो जानना चाहिए. बट वी शुड ऑल्सो नो हाउ ही इज क्रिएटेड. शंकर का तो काम ही नहीं है. देर इज नो वर्क ऑफ शंकर एट ऑल. बाकी ब्रह्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है. एज फॉर द रेस्ट प्रजापिता ब्रह्मा हैज अ बर्थ राइट. निराकार बाप कहते हैं. द इनकॉर्पोरियल फादर सेज मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ. आई एंटर दीज वंस एंड नेम देम ब्रह्मा.
इनमें फिर बहुवचन क्यों कर दिया? दीज वंस, व्हाई डिड ही मेक इट प्लूरल? स्टूडेंट्स आर सेइंग राम एंड कृष्णा. जरूर दो आत्माएं हैं जिनमें प्रवेश करते हैं और फिर उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं. सर्टनली देर आर टू सोल्स हुम ही एंटर्स एंड देन ही नेम्स देम ब्रह्मा. एक है ब्रह्मा, एक है प्रजापिता ब्रह्मा. वन इज ब्रह्मा एंड द अदर वन इज प्रजापिता ब्रह्मा. ब्राह्मण ऊंची से ऊंची चोटी होना चाहिए. Brahmins should be of the highest rank, meaning top notch Brahmin. ऊंचे से ऊंचे चोटी होंगे तब तो देवता बनेंगे. If they are of the highest rank, only then will they become deities. नीची कोटि के ब्राह्मण होंगे तो देवता नहीं बनेंगे. If they are Brahmins of a low rank, they will not become deities. ब्राह्मणों की कितनी कुरियां? नौ कुरियां गाई हुई है. How many categories are there of Brahmins? Students are saying 9 categories. 9 categories are praised. एक से एक ऊंच. One higher than the other. तो जो ऊंची कुरी के ब्राह्मण होते हैं, वो देवता बनते हैं. So the Brahmins of a high category become deities. जो शूद्र कोटि के होते हैं, वो देवता बन न सके. Those who belong to the rank of the Shudras can't become deities. Shudra, meaning a member of the fourth and the lowest division of the Indo-Aryan society. वो है शूद्र. तुम हो ब्राह्मण. They are Shudras. You are Brahmins. परंतु शूद्रों को ही adopt करके ब्राह्मण बनाते हैं. But he adopts those very Shudras and makes them into Brahmins. क्या? What? वैश्यों को नहीं adopt करके बनाते. He doesn't adopt the Vaishyas, meaning those belonging to the merchant class, and make them into deities. क्षत्रियों को नहीं adopt करते. He doesn't adopt the Kshatriyas, meaning the warrior class. जो शूद्र बनते हैं उनको adopt करते हैं और उन्हीं को ब्राह्मण बनाते हैं. He adopts those who become Shudras and makes those very ones into Brahmins. Prajapita Brahma ke bacche zarur mukhvanshavali honge. The children of Prajapita Brahma will certainly be the mouth-born progeny. Brahman? Kaunsi vanshavali? Brahmins of which family line? Students, the mouth-born progeny of Brahma. ब्राह्मण भी दो प्रकार के हुए. The Brahmins also are of two types. एक सिर्फ गोद लेने वाले. One is those who only take the lap. सिर्फ गोद का सुख लेते हैं. They take only the happiness of the lap. ज्ञान की बातों को नहीं समझते. They don't understand the topics of knowledge. और दूसरे And the others, जो मुखवंशावली है मुख से निकली हुई ज्ञान की बातों को समझते हैं, दूसरों को समझाते हैं. They are those who are the mouth-born progeny, who understand the words of knowledge that emerged from the mouth of Brahma and explain it to the others. बाप बतलाते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल से इनको अपना बनाता हूँ. The father says, I make this one mine through the lotus mouth of Brahma. इनको माने किनको? This one means who? बाप समझाते हैं, बतलाते हैं, मैं ब्रह्मा मुख कमल से इनको अपना बनाता हूँ. The father narrates, I make this one mine through the lotus mouth of Brahma. इनको माने किनको? This one means who? इनको कहते थे, किसकी तरफ इशारा करते थे? ब्रह्मा. When he used to say this one, towards whom did he hint? Students, Brahma. इस ब्रह्मा को मैं ब्रह्मा मुख कमल से इसको अपना बनाता हूँ. I make this one, this Brahma mine, through the lotus mouth of Brahma. तो दोनों के बने ना? So he belonged to both, didn't he? कि अकेले ब्रह्मा के बने? Or did he belong to Brahma alone? दोनों बने? प्रजापिता? और ब्रह्मा के बने ना. वर्षा शिव बाबा का है. बोथ मीन्स
he belonged to Prajapita and Brahma, didn't he? The inheritance is of Shiv Baba. Brahma ka nahi hai. It is not of Brahma. बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में बाप ने इसमें प्रवेश किया है. At the very end of the last birth of many births, the father has entered this one. बहुत जन्म कितने? 84. Many births means how many? Students, 84. 84 जन्म के अंत के जन्म. The last birth of the 84 births. 84 जन्म के अंत के जन्म के भी अंत में. At the end of even the last birth of the 84 births. ये कब कहेंगे? 76. When will it be? Students are saying 76. अंत में बाप ने इसमें प्रवेश किया और नाम रखा ब्रह्म. At the end, the father entered this one and he gave him the name Brahma. अब ब्रह्मा सो फिर विष्णु कहा जाता है. Well, it is said ब्रह्मा सो विष्णु. कृष्ण ही 84 जन्मों के बाद फिर साधारण तन बनते हैं. कृष्णा हिमसेल्फ बिकम्स द वन विथ एन ऑर्डिनरी बॉडी अगेन आफ्टर 84 बर्थ्स. कैसे? हाउ? कृष्ण ही 84 जन्मों के बाद फिर साधारण तन बनते हैं. कृष्णा हिमसेल्फ बिकम्स द वन विथ एन ऑर्डिनरी बॉडी अगेन आफ्टर 84 बर्थ्स. इसका साधारण तन कहा जाए? हुज बॉडी शुड बी कॉल्ड ऑर्डिनरी? संगम योगी. दादा लेखराज ब्रह्मा का साधारण तन कहा जाए? संगम योगी कृष्ण का. Should the body of Dada Lekhraj Brahma be called ordinary? Students, of the confluence age Krishna. Sangam Yugi Krishna ki baat hai. Yes, this is about the confluence age Krishna. Ki Sangam Yugi Krishna hai, jiska shastron mein gayan hai. The confluence age Krishna, who is praised in the scriptures. Jiska mandiron mein poojan hota hai. Who is worshipped in the temples. वो कृष्ण ही 84 जन्म के बाद फिर साधारण तनधारी बनता है. That Krishna himself after 84 births becomes an ordinary bodily being again. उनमें बाबा प्रवेश करते हैं. बाबा enters in those ones. उनमें क्यों कह दिया? उसमें कहना चाहिए. Why was it said in those ones? It should be said in that one. क्योंकि राम कृष्ण दोनों ही आत्माएं उसमें हैं. Because both the souls, that is Ram and Krishna, are present in him. फिर भी पहली वाली आत्मा की तन में प्रवेश करते हैं. Still, he enters the body of the first soul. क्या? What? है? ऐसे नहीं, दूसरी वाली आत्मा की तन में प्रवेश करते हैं. It is not that he enters the body of the second soul. तो पहली वाली आत्मा कौन और दूसरी वाली आत्मा कौन? सो हु इज द फर्स्ट सोल एंड हु इज द सेकेंड सोल? स्टूडेंट्स आर सेइंग राम. प्रजापिता नहीं, यज्ञ की आदि वाली पहली आत्मा. प्रजापिता इज द फर्स्ट सोल ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ. और कृष्ण? दादा लेखराज बाद वाली दूसरी आत्मा. एंड कृष्णा, दादा लेखराज इज द लेटर वन, द सेकेंड सोल. सिर्फ इनको तो नहीं समझाते हैं. He doesn't explain only to this one. इनको? Whom? ब्रह्मा. Students, ब्रह्मा. एक सिर्फ यह सुनेंगे, ये कैसे हो सकता है? How is it possible that only this one listens? आवाज करते हैं. He makes a sound. कौन? Who? ये ब्रह्मा इनके मुख के द्वारा आवाज करते हैं. He makes a sound through the mouth of this one, this Brahma. तुम भी सुनते हो और ये भी सुनते हैं. You listen to the sound as well as this one listens to the sound. मूल बात एक है. There is one main thing. क्या? What? सुनते तो ये भी है और तुम भी सुनते हो, लेकिन मूल बात क्या है? This one does listen to the sound as well as you listen to the sound. But what is the main thing?
सुनने वाले दोनों हैं। बोथ आर लिसनर्स। तुम भी सुनते हो, ये भी सुनते हैं। यू लिसन एज वेल एज दिस वन लिसन्स टू द साउंड। फिर मूल बात एक है। बट देर इज वन मेन थिंग। बाबा तो है ना? कौन? He is indeed Baba, isn't he? Who? उनसे हमको वर्षा मिलता है। We receive the inheritance from that one. हाँ, इनसे नहीं मिलता है। Student, the soul of Ram. Yes, we don't receive it from this one. ब्रह्मा से या क्राइस्ट से किसी को वर्षा नहीं मिलता। No one receives the inheritance from Brahma or Christ. जैसे इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की लिस्ट है। जस्ट एज देर इज द लिस्ट ऑफ इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट। ऐसे ही उसी लिस्ट में ब्रह्मा को भी जोड़ दिया गया। सिमिलरली ब्रह्मा वॉज ऑल्सो एडेड इन टू द सेम लिस्ट। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से भी बेहद का वर्षा नहीं मिलता। वी डोंट रिसीव द अनलिमिटेड इनहेरिटेंस फ्रॉम इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट। और ब्रह्मा से भी बेहद का वर्षा नहीं मिलता। And we don't receive the unlimited inheritance from Brahma either. हमको वर्षा उनसे मिलता है। We receive the inheritance from that one. उनका रथ है। His chariot is the one that gives the inheritance. यह है ब्रह्मा का। This is Brahma's chariot. हम ब्राह्मण हैं। We are Brahmins. बाप से राजयोग सीख रहे हैं। We are learning Rajyoga from the father. ब्राह्मण है तो राजयोग किससे सीख रहे हैं? इफ देर आर ब्राह्मिन्स फ्रॉम हुम आर दे लर्निंग राजयोगा? स्टूडेंट्स फ्रॉम द फादर। कौन से बाप से? फ्रॉम विच फादर? बिंदु बिंदु आत्माओं के बाप से या मनुष्यों के बाप से? इज इट फ्रॉम द फादर ऑफ द पॉइंट सोल्स और फ्रॉम द फादर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स? स्टूडेंट्स आर सेइंग फ्रॉम द फादर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। फ्रॉम द फादर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स? स्टूडेंट्स फ्रॉम द फादर शिव। शिव बाप। फ्रॉम द फादर शिव। बाप को जरूर याद करना है। वी सर्टनली हैव टू रिमेम्बर द फादर। जिससे हम सीख रहे हैं उसको जरूर याद करना है। वी सर्टनली हैव टू रिमेम्बर द वन फ्रॉम होम वी आर लर्निंग। तो इसे ब्रह्मा को याद करना शुरू कर दो। नॉट दैट यू स्टार्ट रिमेम्बरिंग दिस ब्रह्मा। राजयोग भगवान शिव ने सिखाया था। गॉड शिव टॉट राजयोग। ये ब्रह्मा के द्वारा राजयोग नहीं सिखाते। ही डजंट टीच राजयोग थ्रू दिस ब्रह्मा। कृष्ण को भी नहीं सिखाया। ही डिडंट टीच इट इवन टू कृष्णा। सतयुग में तो सिखाने की बात ही नहीं। देर इज नो क्वेश्चन ऑफ टीचिंग इन द गोल्डन एज एट ऑल। लेकिन राजयोग संगम युग में भी कृष्ण की आत्मा जो 84वें जन्म के अंत में होती है उसको भी राजयोग नहीं सिखाया। बट इन द कॉन्फ्लुएंस एज ऑल्सो ही डिडंट टीच राजयोग इवन टू कृष्णा सोल हु इज एट द एंड ऑफ द 84th बर्थ। वो राज की बातों को जानता था क्या? डिड ही नो द सीक्रेट पॉइंट्स? जानता होता तो ये क्यों कहते? ब्रह्मा को बाबा बेबी कहते। Had he known it, why would he say, Baba calls Brahma baby? मैं तुमको सुनाता हूँ, ये तो बीच में सुन लेता है। I narrate to you, this one just listens in between. माना? तुम समझदार हो, तुमको सुनाता हूँ, इसको नहीं सुनाता हूँ। Meaning, you are intelligent, I narrate to you. I don't narrate to this one. कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत के जन्म की जो आत्मा पतित बनी है उनमें प्रवेश किया है। He entered Krishna's soul which has become impure in the last birth of many births. फिर उनका नाम बदली किया। Then he changed his name. तो जिनका नाम बदली किया वो भी लिस्ट होनी चाहिए। So there should also be a list of the ones whose names were changed. यज्ञ के आदि में भी नाम बदले किए थे। At the beginning of the yagya also, the names were changed. अभी भी नाम बदली हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हैं? हो रहे हैं? Are the names changing even now or not? Students, they are. Are they? आदि में भी नाम बदले किए थे।
एट द बिगिनिंग ऑल्सो द नेम्स वर चेंज्ड फिर नाम बदली करना बंद कर दिया देन ही स्टॉप्ड चेंजिंग द नेम्स अभी भी नाम बदली हो रहे हैं या नहीं हो रहे आर द नेम्स चेंजिंग इवन नाउ और नॉट नहीं हो रहे स्टूडेंट्स आर सेइंग दे आर नॉट आर दे नॉट फिर ये जगदम्बा नाम कहाँ से पड़ता है शंकर पार्टी नाम कहाँ से पड़ गया सो हाउ इज द नेम जगदम्बा गिवन हाउ वॉज द नेम शंकर पार्टी गिवन नाम तो बदले अभी भी होते हैं इवन नाउ द नेम्स चेंज तो वो भी लिस्ट होनी चाहिए 250 के नाम आए थे सो देर शुड बी अ लिस्ट ऑफ दैट टू द नेम्स ऑफ 250 सोल्स केम वो लिस्ट छुपा करके रखनी चाहिए दैट लिस्ट शुड बी केप्ट हिडन क्यों Why? उसमें कोई राज की बात है क्या Is there anything secret in that? वो लिस्ट छुपा करके रखनी चाहिए जीते जी मर करके जन्म लिया That list should be kept hidden. If you have a birth after dying alive, तो जरूर बाप नाम रखेंगे The father will certainly give a name. 250 बोला है बाबा 250 बोला वो हाँ कौन सा है वो He will give it. A student is asking, 250 names were mentioned. Yes. Student, which ones are they? List hai unke paas. Didi dadiyon ke paas. Ye bhi keh diya, wo list chupa ke rakhni chahiye. They, that is, the didis and dadis have the list. He also said, that list should be kept hidden. Jeete ji mar kar ke janm liya. If you have a birth after dying alive, तो उन्हें बीके वालों ने जीते जी मरकर जन्म लिया क्या? So, did those BKs have a birth after dying alive? जीते जी मरकर जन्म लेने का मतलब क्या है? What is the meaning of having a birth after dying alive? Students are saying something. जीवन ऐसे जिए जैसे देखते हुए न देखना सुनते हुए न सुनना We should live the life in such a way that we don't see even while seeing, we don't listen to anything even while listening. इसलिए बाप को भृगु ऋषि भी कहते हैं For this reason, the father is also called भृगु ऋषि meaning one of the seven great sages. क्योंकि तुम्हारी जन्म पत्री जानते हैं ना बिकॉज ही नोज योर हॉरोस्कोप डजंट ही वो नाम देने वाला भी है ना ही इज ऑल्सो द वन हु गिव्स नेम्स इजेंट ही एक शिव जयंती मनाते हैं कि और देवताओं की भी जयंती मनाते हैं डू पीपल सेलिब्रेट ओनली शिव जयंती और डू दे ऑल्सो सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द अदर डेटीज कृष्ण जयंती मनाते हैं राम जन्म मनाते हैं और देवताओं का भी जन्म तो मनाते हैं दे सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ कृष्णा दे सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ राम दे डू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द अदर डेटीज टू तो जो जन्म मनाते हैं सो सिंस दे सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ द डेटीज तो नामधारित हुए ना दे आर सर्टनली द वंस विद नेम्स aren't they? ये नाम कब प्रत्यक्ष होते हैं देवताओं के When are these names of deities revealed? संगम में प्रत्यक्ष होते हैं They are revealed in the confluence age. तो नाम किसने धरा So who gave the names? अरे नाम धरने वाला कोई तो होगा अरे there will be someone who gives names, won't there? अच्छा ब्रह्मा नाम किसने धरा शंकर नाम किसने धरा विष्णु नाम किसने धरा अच्छा Who gave the name Brahma? Who gave the name Shankar? Who gave the name Vishnu? Jagadamba naam kisne dhara? Who gave the name Jagdamba? Bale ishaare mein dharte hain. Though he gives the names in hints. Aamne saamne practical nahi kehte. He doesn't say it face to face in practice. Naam dene wala hai. He is the one who gives the names. परंतु फिर देखा कि ये ठहरते नहीं है बट देन ही सॉ दैट दे डिडंट स्टे तिरक जाते हैं दे मूव अवे आज है और कल उड़ जाते हैं टुडे दे आर प्रेजेंट
एंड टुमारो दे फ्लाई अवे. तो नाम देना बंद कर दिया. सो ही स्टॉप्ड गिविंग नेम्स. ब्रह्मा कुमार कुमारी बन करके फिर जाए सूत्र बने, ये तो शोभता नहीं. इट इज नॉट नाइस इफ दे गो अवे एंड बिकम शूद्रा आफ्टर बिकमिंग ब्रह्म कुमार कुमारी. इसलिए माला बनाना बंद कर दिया. फॉर दिस रीजन ही स्टॉप्ड मेकिंग द रोजरी. माला किन की बनेगी? हुज रोजरी विल बी मेड. चाहे 8 की माला हो, चाहे 108 की हो, चाहे 16108 की हो, माला किन की बनेगी? वेदर इट इज द रोजरी ऑफ द 8 सोल्स, वेदर इट इज ऑफ द 108, वेदर इट इज ऑफ द 16108, हुज रोजरी विल बी मेड. जो वारसदार बनेंगे, राजयोग सीख करके राजा रानी के परिवार के बनेंगे, वो वारसदार बनेंगे. Those who become the heirs, those who belong to the family of the king and queen after learning Rajyoga will become the heirs. तो देखा कि जाकर सूत्र बनते हैं, तो माला बनाना बंद कर दिया क्योंकि सब वारिस तो नहीं बने. So when he saw that they went and became Shudras, he stopped making the rosary because not all became heirs. वो तो वारिस बने, घरबार छोड़ आए, बाबा के बने. They became the heirs. They left the household and became the children of Baba after coming. भट्टी वालों का नाम रख दिया. The ones who did the bhatti were given names. Bhatti, meaning an intense course of yoga and knowledge for a period of 7 days following strict norms. अभी बोलते हैं कि हमारा नाम रखो, तो भी उनका नाम नहीं रखते. If they say now, give us a name, still he doesn't give them names. हाँ, कोई बहुत पक्का हो. Yes, if someone is very firm. क्या? What? कोई बहुत पक्का हो किस बात में? If someone is very firm, in what? ज्ञान की बातों में बहुत पक्का हो और पूछे, तो नाम दे भी सकते हैं. If he is very firm in the topics of knowledge and he asks for the name, he may be given a name. कोई को दिया नाम? Was anyone given a name? हाँ? कोई को नाम नहीं दिया? Yes. किसको? Wasn't anyone given a name? Students, it was given. Who? हाँ? योगिनी नाम तो उनका पहले से ही था. Basic knowledge योगिनी है ना? Students, योगिनी. The name योगिनी. The name Yogini existed already before. There is Yogini in the basic knowledge, isn't there? तो बेहद की बात हुई. This is in an unlimited sense. हैं? जिस समय ये वाणी चलाई जा रही उस समय की बात. It is about the time when this vani was narrated. कोई बहुत पक्का हो और पूछे तो नाम दे भी सकते हैं. If someone is very firm and asks, he may be given a name. परंतु किसके ऊपर विश्वास करें? But who should be trusted? अच्छा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करें तो नाम नहीं दिया क्या? अच्छा, if he doesn't trust anyone, didn't he give a name? हैं? Yes. किसको दिया? Students, he gave it. Whom did he give the name to? 250. हाँ? 250. A student is saying the 250 souls. नहीं, 250 तो पहले की बात. No, the 250 souls is the previous topic. वो तो पुरानी बात है, अभी मुरली जब से चल रही है. That is the old topic. Now from the time the Murli is narrated. ये जो मुरली चल रही है, उस समय के आसपास की बात बताई कि कोई ऐसा हो, बहुत पक्का हो और पूछे तो नाम दे भी सकते हैं. It was said about the time around the year when the Murli was narrated. That if there is someone like this, if he is very firm and he asks, then he may also be given a name. परंतु किसके ऊपर विश्वास करें? But who should be trusted? फिर पिछली कथा कहानी सुनाई. He narrated the previous story again. 10 बरस से रहने वाले. The ones who lived for 10 years in the yagya. ध्यान में जाए मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाते थे. They went into trance and taught the drill of remembrance to even Mamma and Baba.
हेड होकर के बैठते थे. दे यूज टू सिट एज द हेड्स. उनमें बाबा प्रवेश कर डायरेक्शन देते थे. बाबा यूज टू एंटर देम एंड गिव डायरेक्शंस. कितना मर्तबा था. दे कमांडेड सो मच रिस्पेक्ट. कितना मर्तबा था कि अभी जो तुम्हारे सामने मम्मा बाबा 67 में बैठे हैं. दे कमांडेड सो मच रिस्पेक्ट दैट इवन मम्मा बाबा हु वर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ देम इन द ईयर 67 वो भी उनसे सीखते थे. कैसे. यूज टू लर्न फ्रॉम देम. फ्रॉम होम. उनसे सीखते थे. स्टूडेंट्स फ्रॉम दोज लिविंग फॉर 10 years इन द यज्ञ. दे यूज टू लर्न फ्रॉम देम. आज वो भी है नहीं. इवन दे आर नॉट प्रेजेंट टूडे. क्यों नहीं है. वाई आर एंट दे प्रेजेंट. वो क्यों नहीं रहे. क्या बात हो गई. वाई डिंट दे स्टे. वॉट हैपेंड. उस समय यह इतना ज्ञान नहीं था. एट दैट टाइम देर वॉजंट सो मच ऑफ दिस नॉलेज. कितना. हाउ मच. जितना ज्ञान अभी निकल पड़ा है माना 67 तक. एज मच नॉलेज हैज इमर्ज नाउ मीनिंग टिल द ईयर 67. उस समय यह इतना ज्ञान नहीं था. और अभी. एट दैट टाइम देर वॉजंट सो मच ऑफ दिस नॉलेज. एंड नाउ. अभी वो ज्ञान निकल पड़ा. नाउ दैट नॉलेज हैज इमर्ज्ड. तो अब टूटेंगे क्या. सो विल दे ब्रेक ऑफ नाउ. पहले तो इसलिए टूट पड़ेगी इतना ज्ञान नहीं था. दे ब्रोक ऑफ बिफोर बिकॉज देर वॉजंट सो मच नॉलेज. ज्ञानी तो आत्मा को बुद्धि का भोजन चाहिए और बुद्धि का भोजन था नहीं. अ नॉलेजेबल सोल नीड्स द फूड ऑफ नॉलेज. देर वॉजंट दैट फूड ऑफ नॉलेज. उस समय तो भक्ति मार्ग की बातें चलती थी. द टॉपिक्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति वर प्रैक्टिस्ड एट दैट टाइम. पुरानी संस्कृति गीता के अर्थ बैठ सुनाते थे. ओम 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 की ध्वनि चलाते थे. दे यूज्ड टू सिट एंड नरेट द मीनिंग ऑफ द ओल्ड संस्कृत गीता. दे प्लेड द साउंड ओम 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 ओम. अभी तो वो भक्ति की बात नहीं है. नाउ इट इज सर्टनली नॉट अबाउट भक्ति. सीढ़ी का 84 जन्मों का ज्ञान भी अभी तुमको मिला है. यू हैव ऑल्सो रिसीव्ड द नॉलेज ऑफ द लैडर ऑफ द 84 births नाउ. तुमको. यू. सीढ़ी का 84 जन्मों का ज्ञान भी अभी तुमको मिला है. किसको. यू हैव ऑल्सो रिसीव्ड द नॉलेज ऑफ द लैडर ऑफ द 84 births नाउ. हु. तुमको. यू. आगे मिला होता. हैड यू रिसीव्ड इट बिफोर. ये ज्ञान आगे मिला होता. हैड यू रिसीव्ड दिस नॉलेज बिफोर. तो उस समय सीढ़ी बना लेते. यू वुड हैव प्रिपेयर्ड द पिक्चर ऑफ द लैडर एट दैट टाइम. उस समय तो सीढ़ी नहीं बनी. द लैडर वॉजंट मेड एट दैट टाइम. जैसे जैसे ज्ञान मिलता गया चित्र बनाते गए. एज द नॉलेज वॉज रिसीव्ड द पिक्चर्स वर मेड अकॉर्डिंगली. इनके बाद भी कितने चित्र बनावेंगे. सो मेनी पिक्चर्स विल बी मेड आफ्टर दिस वन एज वेल. अभी तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें. नाउ ऑल दीज टॉपिक्स आर इन योर इंटेलेक्ट. कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी आए पतित बनी है. द सोल ऑफ कृष्णा हैज नाउ बिकम इम्प्योर आफ्टर हैविंग 84 births. कितने जन्म लेकर के. आफ्टर हैविंग हाउ मेनी बर्थ्स. 84 जन्म ले अभी आए पतित बनी है. After having 84 births, it has become impure now. Impressed kiya. He was impressed, meaning influenced. Kisko? Who? Krishna ki atma ko. The soul of Krishna. To yeh unka ban gaya. So this one, meaning the soul of Krishna became his. Impressed kiya. He was impressed. तो यह कौन. ब्रह्मा. ब्रह्मा. सो दिस वन हु. ब्रह्मा. उनका बन गया. किनका. ही बिकेम हिज. हुज. यज्ञ के आदि में जो मुख्य पाठधारी था जिसके डायरेक्शन पर चलते थे. ऑफ द वन हु वॉज द मेन एक्टर एट द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ. ऑफ द वन हुज डायरेक्शंस ही फॉलोड. उनका बन गया. ही बिकेम हिज. तो बाबा ने
विकारी जन्म का दादा लेखराज नाम छोड़ दिया। सो बाबा गेव अप द नेम दादा लेखराज रिसीव्ड इन द विशियस बर्थ। निर्विकारी जन्म का नाम रख दिया। ही वॉज गिवन द नेम ऑफ द बर्थ विदाउट वाइस। ओम शांति। ओम शांति।